नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। अमर शुक्ला के परिवार को फरसे से मारने वाले हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। घटना बलरामपुर ग्राम बैसार तहसील ललिया की है। बीते कुछ दिनों पहले अमर शुक्ला ने बीरेन शुक्ला से लिप्टिस का पेड़ खरीदा था, वही पेड़ दूसरे व्यक्ति के हाथों बेच दिया, जिस वजह से अमर अपने 6,000 रुपये वापस मांग रहा था, जिसके बदले 11/8/2020 को बीरेन शुक्ला, रामचंद्र, विनय, पवन तथा गुड्डा पत्नी रामचंद्र ने अमर शुक्ल के परिवार पर फरसे से प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में एक परिवार के एक सदस्य का सर फट गया, एक सदस्य का पैर टूट गया। पार्थी अपनी फरियाद लेकर दर दर भटक रहा है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पार्थी जब थाने में तहरीदार देने गया तो दरोगा ने उसके हिसाब से ना लिखकर अपने हिसाब से लिखवाई और तहरीर दर्ज कर ली। पार्थी का आरोप है मुकदमे के विवेचन श्री अश्वनी कुमार मुजलिम से लगातार गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने मुजलिम पर उचित कार्रवाई नहीं की तो वही किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पार्थी अमर शुक्ला पुत्र शिव कुमार शुक्ला। ये खबर बलरामपुर से सलीम अहमद की रिपोर्ट। हाँ बेटा, आपका क्या नाम पड़ेगा बेटा? खुशबू मिश्रा। खुशबू मिश्रा, आपके पिताजी का क्या नाम है? अजय मिश्रा। कहाँ घर पड़ता है आपका? कटकुइया। आप अपने ननिहाल में थे? हाँ, हम ननिहाल आए थे, कोरोना चला था उस वजह से। अच्छा, ये कैसे वारदात हुआ? वो लोग बात करते करते अचानक से पीछे से हमला कर दिए। किस चीज़ से हमला किए? फरसे से और लाठी से। अच्छा, कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? हमारे सर में चोट आई है, हाथ पे, पीठ पे। अच्छा, हाथ थोड़ा सा ऊपर करिए बेटा आप अपना। अच्छा, ऊपर नहीं हो रहा। आपके क्या नाम पड़ेगा भाई? अमर शुक्ला। कहाँ से आए? मथुरा बाजार से। साहब, मथुरा बाजार से आए, क्या मामला है आपका? सर, हमको दबंगों ने मारा है, सर हमारा सर टूट गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस के पास हमने एप्लीकेशन दिया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जी, आज आप पुलिस कप्तान के यहाँ आप आए हैं जी, तो कप्तान साहब आज आपको मिले? जी नहीं मिले यार, छुट्टी बताई जा रही है यहाँ पे कि कोरोना है, हमसे मिल नहीं पाए। आपको किसने मारा है, मतलब नाम आपको पता है? रामचंद्र शुक्ल, विनय कुमार शुक्ल, पवन कुमार शुक्ल, उनकी वाइफ और पप्पू शुक्ला। अच्छा, आपको न्याय नहीं मिल रहा? नहीं, हम दौड़ कई जगह गए लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। ये 8 दिन पहले का केस है, हम लोग चक्कर काटते रहते हैं लेकिन हमको कहीं कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, जैसे कि आपका जो थाना पड़ता है, और थानेदार का नाम क्या है? ए के राय के नाम है। अच्छा, मतलब चौकी प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे जी हमारे यहाँ के, लेकिन वो भी कुछ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मुलजिम खुलेआम घूम रहा है जी, उनको पकड़ भी नहीं रहे हैं। 8 दिन के बाद में 151 का जो है उन्होंने चालान कट के उनसे वो करवाया है। आठ दिन के बाद में सुना है कि आपको कह रहे थे कि आपको धमकी भी दिया जा रहा है। हाँ जी, हमको धमकी, हमारी जान माल का खतरा है और जो है हमको डर है कि हमारी हत्या हो जाएगी। वो बंदूक लेके घूम रहे हैं, हम लोग भागे घूम रहे हैं इधर उधर। लेकिन अश्विनी कुमार आपके तरफ, मतलब कोई आपके फेवर में, मतलब कुछ भी नहीं कर, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 क्राइम रिपोर्टर हकीम आजाद बलरामपुर। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी साहिद। साहिद, बाप का क्या नाम है आपके? आइनुल हसन। क्या? आइनुल हसन। आइनुल हसन, आपके लड़के क्या नाम है? तबरेज। तबरेज, अमाहवा के जो 4 साल की बच्ची है उसके साथ उसने छेड़खानी बलात्कार किया है, तो इसमें कितना सच्चाई है वो मुझे बताइए। जी, कहना कि हम खेत जाने चले गए थे, वो बहला हक नहीं, तो वो कहना कि गया था, कहना कि वो हमारे कहना कि चचेरा भैवाद ने कहना काम लगाए थे तो उनको बुलाने चले गए। इतनी बार मैं जानता हूँ जी सर। आपको सारी बातें नॉलेज नहीं है? जी सर। आपका लड़का इस क्राइम में शामिल था और आरोपी भी है, जेल में भी है, तो क्या आपका लड़का सच है, उसने गुनाह किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में सही नॉलेज दीजिए, सही जानकारी दीजिए। जी कानों की सब झूठ है, झूठ हवा उड़ा रहे हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं जी, हमारे पास कुछ नहीं, 2 बीघा खेत है सर, और हम कानों की कहे चला गया बुलावे। क्या गरीब क्राइम नहीं करता है? जी कानों की आप अगर गरीब हैं तो क्या गरीब क्राइम नहीं करता है? जी अच्छा, नाबालिग है जी सर, कानों की उसके लिए कानों की अब जो कुछ आप कहें करो।
बात ठीक है, लेकिन कहना कि वो एकदम निर्दोष है सर। तो लड़का का आधार बना है कि नहीं बना है? जी सर, कहना कि उसका कहना कि आधार नहीं है, कहना कि आधार बना है कि नहीं बना, मैं आपसे ये पूछता हूँ। जी सर, अब हमको मालूम नहीं, एक बार कहीं आपका लड़का है तो आपको अपने लड़के बारे में नहीं पता कि उसका आधार बना है कि नहीं बना है? जी, सरकारी में आया था कहना कि उसका कहना कि वो हुआ था, लेकिन उसको कहना मिला नहीं। मतलब जो तबरेज है उसका राशन आप उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? उठा रहे हैं, जब है ही नहीं तो क्या उठाएंगे। राशन कार्ड में उसका नाम नहीं है तबरेज का? नहीं है जी। तो आपके नॉलेज में आपका लड़का कई साल का है? जी सर, सर कहना कि ये गांव वाले से बोल जाए, वो जोड़िया लड़का है, और कहना कि उसका कहना एक बेटी ही एक लड़का, उसका कहना है कि वो लमसम में लेकर 13-14 साल का होगा। नहीं, ये अमाहावा के जो आपका प्रथम पक्ष है वो बता रहे हैं कि आपके लड़के ने मुंह में बलात्कार किया है। नहीं जी सर, सब गलत है। वो वहाँ पर उसका चाचा, मतलब वहाँ पर उसको देखे हैं, खैर वो विकलांग थे इसलिए वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपका लड़का नंगे अवस्था में मिला है, सामने खड़ा हुआ मिला है नंगे अवस्था में। जी सर, वो नजायज सता रहे हैं, हम बहुत गरीब आदमी है वो, और कोई बात नहीं जानते हैं जी सर। जी, और अगर आधार आपसे अगर मांगा जाए तो आधार आप नहीं देंगे अपने लड़के का? जी सर, जब कहना होगी उसका नहीं निकलवा पाए तो क्या करें सर, आज कम से कम हो गया कहना होगी 10 साल सरकारी कहना होगी हमारे पास कराई गई सर। प्राइम न्यूज़ 24, प्राइम रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर हकीम आजाद, पटरामपुर।